नमस्कार साथियों, मैं अपूर्वा वशिष्ठ आज आपके सामने एवोकाडो के कुछ औषधीय गुणों की चर्चा करने आई हूँ। इस फल की गिनती विश्व में बड़े चुनिंदा फलों में, इसकी जो शेप होती है वो नाशपति की तरह होती है और इसमें जो अंदर से ये फल जो निकलता है वो मक्खन की तरह होता है, इसीलिए इसे हम इसे बटर फ्रूट भी कहते हैं। स्टार्टिंग में जब इसकी खेती करी गई थी तो ब्राजील में और कोलंबिया में इसे पैदा किया गया था। अब फिर जब देखा कि इसमें इतने ज्यादा औषधीय गुण हैं, तो फिर दूसरे कंट्री ने भी इसकी खेती करना शुरू कर दिया। इस फल में जो इसका शक्कर का जो लेवल होता है ना, मतलब मीठापन, उसमें बहुत कम होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं, तो देखो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर्स, फैटी एसिड्स, फैट और कैल्शियम, पोटेशियम है ना, और प्रोटीन्स, ये सब भी तत्व पाए जाते हैं। तो अब जब इतना ज़्यादा गुणकारी कोई फल होगा तो वो हमारे लिए बहुत तरीके से हेल्पफुल तो होगा ही होगा, हमारी कितनी तरीके समस्याओं का निवारण करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत हाई मात्रा में होता है इसमें, और इसमें एक होता है एवोकैडिन बी नाम का तत्व होता है जो कैंसर की रोकथाम करता है और साथ साथ हमारे जो कोलेस्ट्रॉल वाली समस्या है उसको भी खत्म करता है। तो अब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ क्या होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है और कई जन कार्डियक वाली जो समस्या होती है वो भी आ जाती है। और इन समस्याओं का समाधान एक तो ये भी तत्व करता है, साथ साथ इसमें ऑलिक एसिड भी पाया जाता है और फैटिक एसिड भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो दोनों ही जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाते हैं, यानी उसके लेवल को एक ठीक कर देते हैं। अब साथ साथ इसमें हम देखते हैं कि और कौन कौन से गुण होते हैं। देखो कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो ये हमारे बॉडी की जो बोन्स हैं उनको मजबूत करता है, तो जैसे कई बार गठिया जैसे रोग हो जाते हैं वह भी नहीं होते। और स्पेशली ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनके हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको बैलेंस करता है ना, हार्मोन्स को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। साथ साथ हमारे जो बॉडी में ना जो सेल जैसे एज के साथ साथ डैमेज होने लग जाते हैं, उन सेल को बनाता है शरीर के अंदर और उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है ताकि वो सेल डैमेज ना हो सके। और हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है ये, दिमाग में कैसे जो दिमाग में जैसे कई बार क्या होता है एज के साथ साथ याददाश्त भूलने लग जाता है, आदमी को उतना याद नहीं रहता, तो उसकी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें जो मोनोसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे ग्लूकोज को, यानी हमारे जो ये मधुमेह वाली समस्या है उसको कंट्रोल में करता है, साथ साथ बॉडी के अंदर जो सूजन की कई बार दिक्कत आ जाती है उसको भी कंट्रोल करता है। तो अब ये तो हमने देखा कि इसमें इतने सारे पौष्टिक तत्व थे जो हमारी समस्याओं का निवारण करते थे। अब इसमें क्या है कि ये हमारी एक सबसे जो इसमें गुणकारी बात ये है कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन में क्या होता है, चमक लेकर आता है। अब इसमें क्या है कि अगर हम एवोकाडो को, क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, ई, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, तो अगर हम इसे एवोकाडो को टमाटर या गाजर के साथ लेते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे एजिंग इफेक्ट आता है ना, वो इफेक्ट भी नहीं आएगा, या फिर कई बार झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं तो वो नहीं पड़ती। साथ साथ आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ये, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इतने सारे इसके अंदर गुण होते हैं जिस जो हमारी कितनी तरह की समस्याओं का निवारण करते हैं। साथ साथ हमने देखते हैं कि ये हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है। तो अब हमारे और कोलेस्ट्रॉल की तो मैं आपको बात कर ही चुकी हूँ कि ये जैसे ब्लड प्रेशर वाली जो समस्या होती है उसको खत्म कर देता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में इसे शामिल करें। अब पर देखो मित्रों, क्या होता है कि जब किसी फल में इतनी सारी क्वालिटीज हैं ना, क्योंकि वैसे तो ये वजन कम करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पर थोड़ा सा क्या है साइड इफेक्ट इसका क्या है, क्योंकि इसमें फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे हम इसका वजन कम करने में ही करते हैं, पर लेकिन जो फैटी लोग होते हैं ना उनको क्या होता है कई बार इससे वजन बढ़ता है, या फिर जैसे हमने स्किन के लिए बोला अच्छा होता है, पर लेकिन किसी की सेंसिटिव स्किन होती है तो उसके लिए क्या होता है कि उनको वो थोड़ा नुकसान दे जाता है।
तो इसलिए उसको थोड़ा सा देख करके इसे उनको खाना चाहिए। अदरवाइज क्या है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसे हर कोई ग्रहण कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथी।